फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं बुरसिंह महादेव, जो कि सिरमौर में है। और अपने साथ जा रहे हैं अपने दोस्त लोग। हेलो, मछलियाँ भी देख लें। तो अभी हम रुके हैं वैसे कटासन देवी, सोच रहे हैं यहाँ पे माथा टेक के आगे बढ़ें ताकि हमारी यात्रा अच्छी रहे, सफल रहे। चलो मिलते हैं आपसे माथा टेकने के बाद। यार अभी मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है एक हाथ से गाड़ी चलाने की और एक हाथ से कैमरा पकड़ने की। थोड़ा रिस्की है। गोप्रो ट्रक के पीछे। सराहा 32 किलोमीटर है अभी। सराहा 32 किलोमीटर है। सराहा से 10 किलोमीटर क्या मतलब 42 किलो। फिलहाल अभी हम रुके हैं यहाँ पे जहाँ से रेणुका जी को रास्ता जाता है। और गाइस व्यू चेक आउट करो। यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान भी ले रहे हैं। वैसे ले लो। हेलो गाइस, सराहा पहुंच गए अभी हम। ये बस स्टैंड है पीछे। धुंध आ गई और आगे फॉग चल रही है पूरी। और भाई मौसम पूरा चेंज हो गया। जब निकले थे घर से भाई धूप थी और अभी देखो कैसा हो गया। फॉग आ गया। चेक आउट करो मौसम को एक बार। चेक लोकेशन। इधर को आगे से टूटी हुई गाड़ी आ रही है। दोबारा गोटे ने मारा कर दत्ती बोल दे। भूरेश्वर महाराज के रोड पे। और ये देखो ऐसे रोड बन चुका है यहाँ पे। पहले था नहीं, कच्चा था पहले। बढ़िया रोड बना दिया। ये क्या बन गया भाई? ट्रैक्टर में सही रोड बना दी। अब तो पहले तो बहुत कच्चा था ये जब हम पिछली बार आए थे। और यहाँ से व्यू देखो। वैसे बहुत कम लोगों को पता है ये जगह सिरमौर में। जैसे कि हमें तो पता है। हमें भी किसी ने बताया था तभी गए थे। चलो चलो चलो। नीचे की साइड जाना है भाई। वहां से आए हम नीचे से। जय हो चुके हैं हम एंटर मंदिर में। ये हम आ चुके हैं। वो भाई दिख भी नहीं रहा कसम से। विजिबिलिटी जीरो है बिल्कुल। क्या शांति है यार यहाँ पे। बहुत अच्छी जगह है। क्यों भाई? बिल्कुल वर्थ है यहाँ पे आना। शूज कहाँ निकाल ले? अब तो रोड बन चुका है वैसे गाड़ी ऊपर तक आती है।
बारिश लग गई है अभी। हाँ जी अभी बंदे बोल रहे थे मेरे को कि यार फोटो खींच दे यार। अरे यार अब कैसे खींचते कल तो खींचे मैंने फोटो। ये आ गया हमारा मंदिर भुवेश्वर महादेव। जय हो। ये इसकी हिस्ट्री है। कृपया पर जाने का प्रयास ना करें। ओ भाई नीचे दिख नहीं रहा होगा वैसे अभी। वो चल रहा है भैया आ जा जा जा। यहाँ पर लिखा है महिलाएं शिला पर दूध ना चढ़ाएं। ये है भाई वो शिला जहाँ से पार्वती माता और भोलेनाथ ने महाभारत का युद्ध देखा था। ये है वो यहाँ से कुरुक्षेत्र दिखता है बट वो हमें नहीं दिखेगा ना। ये भाई वो शिला इस पर जाने का प्रयास कभी मत करना। बोलते हैं अगर इसके ऊपर सिक्का गिराने से किसी का सिक्का रुक जाए तो उसकी विश पूरी हो जाती है पर मेरा रुका नहीं था पिछली बार। इस बार सिक्का ही नहीं है पर और व्यू कुछ नहीं दिख रहा है अभी। चारों तरफ वाइट वाइट चादर। तो दोस्तों अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। बारिश तो रुक गई है। यहाँ पे कैंटीन भी है कुछ खाना पीना हो चाहे। तो लोग मंदिर वो करते हैं बाय बाय और चलते हैं घर की साइड। अब बहुत सुकून मिला वैसे यहाँ पर आके यार। वो ऊपर मंदिर